फाइब्रोएडिनोमा, जो ब्रेस्ट में गांठें होती हैं जिसे फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, ये एक बेनाइन ट्यूमर है जिसे छाती की गांठ भी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं फाइब्रोएडिनोमा के बारे में कि ये क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। ब्रेस्ट में कोई भी लंप होता है तो महिला बहुत स्ट्रेस में आ जाती है और डॉक्टर के पास इसलिए आती है तो उसे डर लगता है कि ये गांठें कहीं कैंसर की गांठें तो नहीं हैं या इससे उसको कैंसर तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जो फाइब्रोएडिनोमा होता है, जो ब्रेस्ट की गांठें होती हैं, ये नॉन कैंसरस हैं, मतलब इसमें कैंसर की गांठें नहीं होती हैं, ये केवल बेनाइन ट्यूमर होता है। ये किस वजह से होता है? ये जब ईस्ट्रोजन होता है, एक हार्मोन होता है फीमेल हार्मोन, तो जब वो बॉडी में अधिक हो जाता है या उसकी बॉडी में सेंसिटिविटी अधिक होने लगती है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट सेल्स होती हैं, फाइब्रस टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया मींस उस सेल्स नंबर्स में बढ़ने लगती हैं। तो ये जब सेल्स नंबर में बढ़ जाती हैं तो ये ही इकट्ठी होकर एक गांठ या लंप बना देती है जिसे फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। इसकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है, जिन लड़कियों की माँ को और सिस्टर को फाइब्रोएडिनोमा होता है उन लड़कियों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने ये खाया तो उसकी वजह से फाइब्रोएडिनोमा हो गया, परंतु ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो हार्मोन होता है फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन की बॉडी में मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। ये यंग गर्ल में होता है, यंग गर्ल मतलब 20 से 35 साल की उम्र में ज़्यादा होता है, और जो यंग गर्ल आती है वो फाइब्रोएडिनोमा जो ब्रेस्ट होता है वो इसी तरह से लंप लेके आती है और बताती है कि उसका लंप घूम रहा है, मतलब इसे ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। फाइब्रोएडिनोमा होता है ये एक ब्रेस्ट का बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन मतलब जिसमें कैंसर की गांठ नहीं होती है। ये ट्यूमर तो होता है लेकिन इसका नेचर बेनाइन होता है, मतलब कि ये लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है और ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है। ये जो गांठें होती हैं ये ब्रेस्ट में, एक छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं, यूजली ये दोनों ब्रेस्ट में होती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, और जो ये गांठें होती हैं ये एक जगह फिक्स नहीं होती हैं, मतलब पेशेंट हिस्ट्री देता है कि ये गांठें ब्रेस्ट में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमती हैं। जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो ये स्लिपरी होती हैं, मतलब कि हाथ से फिसल जाती हैं, इसकी वजह से इसे ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। कभी कभी फाइब्रोएडिनोमा का साइज इतना बड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से उस ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जाता है, लेकिन जो दूसरा ब्रेस्ट होता है वो नॉर्मल साइज का रहता है। दोनों ब्रेस्ट के साइज में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है जिस जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, और इसकी वजह से महिलाएं भी अनकम्फर्टेबल हो जाती हैं और वो सर्जिकल एक्सीजन मतलब ऑपरेशन के लिए करवाना चाहती हैं। इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। ये इस तरह की गांठें होती हैं, इसको केवल सर्जरी से या ऑपरेशन के द्वारा निकलवाया जा सकता है। सर्जरी में गांठ को कट लगा के, इंसिजन लगा के उस गांठ को निकाल दिया जाता है जिससे कि आगे की तरफ कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको कंफर्म करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं उसमें सोनोग्राफी की जाती है, मैमोग्राफी की जाती है और फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की जाती है। अल्ट्रासाउंड फाइब्रोएडिनोमा का नेचर देखने के लिए करा जाता है कि ये सॉलिड है या सिस्टिक है। जो लीजन होता है उसको देखने के लिए कि ये सॉलिड है सिस्टिक है अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में ये राउंड दिखाई देते हैं, ओवल दिखाई देते हैं, फॉर्म होते हैं, मोबाइल होते हैं और यूजली स्किन से अटैच नहीं होते हैं। इसमें इंटरनल इकोज होती हैं वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और इसमें पेरीफ्री में थोड़े से वैस्कुलरिटी भी दिखाई देती है। FNSE मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में अल्ट्रासाउंड से देखते हुए उस लीजन को, ब्रेस्ट में जो फाइब्रोएडिनोमा आता है उसको देखते हुए एक सुई डाली जाती है। उस सुई की मदद से उसके जो सेल्स होती हैं जिसका फ्लूड होता है उसको निकाला जाता है और उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है जिससे उसका गांठ का नेचर पता चल जाए ये गांठ किस चीज़ की है। कुछ डॉक्टर मैमोग्राफी भी एडवाइस करते हैं। मैमोग्राफी मशीन के अंदर ये देखा जाता है कि फाइब्रोएडिनोमा में कैल्सिफिकेशन है या नहीं है। कैल्सिफिकेशन है तो ये पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन है या मैक्रो कैल्सिफिकेशन है, इन सबको देखने के लिए मैमोग्राफी भी करा जाता है। आप लोग की सपोर्ट की वजह से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिएगा और मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।